देखो, एज सुन एज आप अपने फोन में ऐसा कुछ देखते हो, आप अलाउ प्रेस करते हो, उसके बाद क्या होता है? लेट सपोज एक ऐप ने आपसे आपकी लोकेशन मांगी, तो जिस चीज के लिए उसको आपकी लोकेशन चाहिए वो काम तो वो करेगी, बट उसके अलावा क्या? तो उसके अलावा ये जो लोकेशन का डेटा है ये शेयर करा जाता है एक डेटा ब्रोकर के साथ, और फिर उस ऐप को इस चीज के पैसे मिल जाते हैं। पर क्या ये इतना सिंपल होता है? आपके फोन से डेटा जाने तक से लेके आपके फोन पे एक रेलेवेंट एड आने तक का एक सफर होता है, जिसके टोटल 3 फेजेस होते हैं। आपके फोन से डेटा जाता कैसे है, उस डेटा का ये लोग करते क्या हैं, और उससे इनको कैसे पता लगता है कि आपको कौन सी एड पसंद आएगी, तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलो फिर पर्दे के पीछे चलते हैं, तो फेज 1 से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके फोन से डेटा निकलेगा कैसे, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में चलते हैं। एक टर्म होती है SDK, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो एक SDK एक बेसिक टूल किट होती है, जिसके अंदर कुछ कोड लिखा होता है, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, और उसको डेवलपर्स यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको एंड्रॉइड ऐप बनानी है तो उसके लिए आपको एंड्रॉइड SDK चाहिए होती है। अगर आपको एप्पल के लिए ऐप बनानी है तो आपको iOS SDK चाहिए होती है। तो इसी तरह से बहुत सारी SDKs मार्केट में अवेलेबल है। टेक जायंट्स के केस में SDK का यूज करके पेमेंट गेटवेज बनाए जाते हैं या फिर एड्स चलाई जाती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब मान लो कोई ऐप है जो कि अभी पॉपुलर होना शुरू हुई है, तब उसको पैसे तो चाहिए ही है, इसके लिए वो एक तरकीब लगाते हैं। तो लेट सपोज एक डेटा कंपनी है जिसको लोगों की लोकेशन डेटा में इंटरेस्ट है, तो अब या तो ये लोग ये डेटा खरीद सकते हैं, या फिर ये क्या करेंगे, ये अपनी SDK बना देंगे और एप्लीकेशंस को बेच देंगे कि भाई आप अपनी ऐप में हमारी SDKs डाल दो, जिससे कि लोगों की लोकेशन का डेटा डायरेक्टली हमारे पास पहुंच जाएगा। तो अब डेटा कंपनीज इस SDK को ऐप के अंदर लगवा देंगी, ऐप को पैसे चाहिए थे, उसको पैसे मिल गए, और इस कंपनी को आपकी लोकेशन का डेटा चाहिए था, वो SDK पुल आउट कर ही लेगा। और सबसे मजे की बात यह है कि ये सब तब भी हो रहा होता है जब कंपनीज कहती हैं हम आपका डेटा शेयर नहीं करते, बिकॉज टेक्निकली वो लोग डेटा शेयर नहीं कर रहे, ये SDK है जो उस ऐप के अंदर से डेटा बाहर निकाल रही है, तो हमने कहां शेयर करा है। अब हर SDK का अलग काम होता है, अलग कनेक्शंस होते हैं, लेकिन हर एक SDK ऑलमोस्ट 10 और SDKs के साथ आपका डेटा शेयर करती है। तो एट द एंड ऑफ द डे सारी इंटरनेट कंपनीज को पता है कि आप कौन हो और आप क्या हो, और मैंने आपको ये सारी बात SDKs के थ्रू समझाई है। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अननेसेसरी परमिशन से डेटा निकालना, आपके फोन के सेंसर से डेटा निकालना, कुकीज वगैरह भी होते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं। इवन स्मार्टफोन कंपनीज खुद भी डेटा ब्रोकर्स को डेटा देती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई। पर आपका ये सवाल हो सकता है कि मैंने तो मना करा था डेटा कलेक्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपने मना करा था, लेकिन क्या आपने एक भी बार इस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को खोल के देखा है? मतलब आई डोंट थिंक सो, कोई भी देखता है, बिकॉज देखने का कोई फायदा भी नहीं है। बहुत ही वेग लैंग्वेज में कुछ और ही लिखा होता है, क्योंकि उसमें घुमा फिरा के ऐसा जरूर लिखा होगा कि तुम अग्री करते हो कि हम तुम्हारा डेटा ले सकते हैं और उसका हम जो चाहे कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, हम उसे आगे बेच भी सकते हैं। इवन जब हम शुरू में अपना फोन सेटअप करते हैं तो एक चेक मार्क आता है यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम का कि क्या आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, और जनरली वो चेक्ड होता है, यानी कि आप अग्री करते हो कि आपके डेटा का जैसे वो चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने उसको अनचेक नहीं किया तो हम तो डायरेक्टली रास्ता दे रहे हैं ना उनको अपने फोन के अंदर घुसने का। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आपने अगर आई हार्ट रेडियो का नाम सुना होगा तो ये एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्टिंग और म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है। तो ये यूजर की लोकेशन को एक्सेस करके उसको रीजनल सॉन्ग्स वगैरह रिकमेंड करते हैं, लेकिन फिर इन्होंने ये लोकेशन का डेटा क्यूबिक नाम की कंपनी को बेचना शुरू कर दिया, और वो कंपनी इस डेटा पे रिसर्च वगैरह करती थी कि लोग एड को देखने के बाद एक स्टोर में जाते हैं क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में साफ लिखा हुआ है, बाय डाउनलोडिंग आवर एप्स और यूजिंग द प्लेटफॉर्म यू कंसेंट टू आवर कलेक्शन यूज एंड शेयरिंग ऑफ योर लोकेशन इन्फॉर्मेशन विद अदर पार्टीज फॉर एनालिटिक्स advertising and other purposes described herein. अब जो नहीं पड़ेगा ये तो उसकी गलती है ना, उन्होंने तो बताया हुआ है। तो इसी तरीके को इस्तेमाल करके बहुत सारी कंपनीज के पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, यानी कि फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अब फेज 2 और फेज 3 पे चलते हैं। वो कंपनी इस डेटा का करती क्या है? देखो, उनके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो रिसर्च और एनालिसिस में इस डेटा को यूज करेंगे। दूसरा, वो इस डेटा को आगे बेच देंगे। और तीसरा और सबसे पॉपुलर, आपको टारगेटेड एड्स दिखाई जाएंगी। तो पहले रास्ते पे चलते हैं, रिसर्च कैसे होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक SDK का काम अलग अलग होता है, तो हर एक SDK के पास आपके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। एक ने आपकी लोकेशन बेची है तो एक ने आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स बेचे हैं। वैसे ट्रांजैक्शन डेटा भी बेचा जाता है, जैसे कि 2019 में मास्टर कार्ड ने लोगों का ट्रांजैक्शन डेटा बेच के $4.1 बिलियन बनाए थे। तो अब किसी ने आपका लोकेशन डेटा दिया है कि ये इंसान यहाँ यहाँ जाता है, किसी ने आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स दिए हैं कि ये इतना खर्चा करता है। तो इस सारे रिकॉर्ड को कंबाइन करने के बाद
किस्सा शुरू होता है प्रिडिक्शन का। तो आपके डेटा से आपकी फ्यूचर चॉइसेस को प्रिडिक्ट करा जा सकता है। अब आप कहोगे कि हाँ कर लो प्रिडिक्ट, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता, लेकिन आपको इंटरनेट के थ्रू पता लगता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, कैसा लगेगा? अब एक्चुअल में ये चीज हो रखी है। एक हाई स्कूल की लड़की प्रेग्नेंट थी और उसके फादर को नहीं पता था। उसके फादर को पता चलता है एक ईमेल के थ्रू, जो कि एक कंपनी भेजती है उसको प्रिडिक्शन करके। उस लड़की के फादर ने कंपनी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि आप ऐसे कुछ भी कैसे कह सकते हो। कंपनी ने कहा कि हमने तो सिर्फ प्रिडिक्ट किया है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। तो अब आप खुद सोचो, एक फादर से पहले एक एड कंपनी को पता है। हाँ तो वो क्या कह रहे थे, आप कर लो प्रिडिक्ट, अब कह के दिखाओ, नहीं कह सकते ना। तो जब ऐसे कुछ इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं, तब पता लगता है कि हमारा ही डेटा हमारे लिए कितना खराब है। तो अब दो चीजें समझ आती हैं कि रिसर्च कैसे हुई है और एड कैसे आई है। लेकिन अगर यही कंपनी आपका डेटा आगे बेचती है तब क्या होगा? देखो, इन डेटा कंपनीज के बीच में तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है। किसी ने आपका नाम बताया, किसी ने आपका मैरिटल स्टेटस बताया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन ये लोग एक और बिजनेस भी करते हैं, ये लोग डेटा आगे बेचते हैं मार्केटर्स को। अब इस केस में सीन बहुत डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज मार्केटर्स के लिए रॉ डेटा किसी काम का नहीं होता। मार्केटर्स को सिर्फ ये चाहिए होता है कि मेरा एड कैंपेन सही ऑडियंस को टारगेट करे और मेरे को बढ़िया रिस्पॉन्स ला के दे। सिंपल, वो एक 10 GB की एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके पाइथन में पांडास में जाके उस डेटा को एनालाइज करे, वो ये नहीं कर सकता। उसका काम नहीं है ये डेटा कंपनीज का काम है। तो मार्केटर्स को रॉ डेटा नहीं चाहिए होता, उनको चाहिए होते हैं रिजल्ट्स, प्रिडिक्शंस। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो मान लो आपने एक फेसबुक ऐड चलाई जिसको आपने 20 से 30 साल के लोगों के लिए टारगेट करा है। लेकिन जब आपने एनालिटिक्स देखे तो आपको पता लगा कि ऐड तो सिर्फ 25 साल तक के लोगों को ही पसंद आ रही है। तो अब जब अगली बार आप ऐसा कोई कैंपेन चलाओगे तो आप उसको 25 साल तक के लोगों के लिए टारगेट करोगे। तो फेसबुक ने आपको क्या बेचा है? उसने आपको रिजल्ट्स बेचे हैं। उसने आपको ये नहीं बताया कि ये 25 साल तक के लोग कौन है, उनका नाम क्या है। तो मार्केटर्स को प्रेडिक्शंस भेजी जाती हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो इन लोगों को पसंद आएगा, वैसा है तो उन लोगों को पसंद आएगा। तो अब फेज 2 और फेज 3 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। प्रेडिक्शन भी हो गई है, एड भी शो हो गई है, तो सब बढ़िया है। लेकिन आपने अगर नोट कराओ तो सारी एड्स रेलेवेंट नहीं होती, बहुत सारी फालतू एड्स भी आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फोन्स वगैरह बहुत पसंद है, आप पूरे दिन सर्च करते रहते हो, लेकिन कहीं से आपको वीको टर्मरिक की एड आ रही है बार बार, तो इसमें आपका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। आपने तो कुछ सर्च भी नहीं करा, ना ही किसी से बात वगैरह करी है, तो ये क्यों हो रहा है? तो ये सब इंटेंशनली करा जाता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक बंदा एक फाइल लेके आता है और आपको बताता है कि आपका नाम है ABC, आपको ये जगह पसंद है, आपको यहां यहां जाना पसंद है, आप ये खाते हो, और वो जो भी चीजें आपको बता रहे हैं वो सारी सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो आपको डर नहीं लगेगा कि इसको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? आपको ऐसे लगने लगेगा कि मेरे को 24 घंटे कोई स्टॉक कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर सारी एड्स आपको पर्सनलाइज शो होने लगी तो लोग घबरा जाएंगे कि इनको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है, ये सीक्रेट तो मैंने अभी तक अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया। तो इस डर में हो सकता है कि वो उस सर्विस को यूज करना कम कर दे या शायद बंद कर दे। तो टाइम टू टाइम आपको इररिलेवेंट एड्स भी दिखाई जाती हैं ताकि आपको लगे कि इनको क्या ही पता है मेरे बारे में। अब गलत बात यह है कि कंपनीज डेटा कलेक्शन के स्कैंडल्स में एक्सपोज हो जाती हैं, तो उनके साथ कुछ होता नहीं है। वो एक अपॉलॉजी लेटर दे देते हैं और एक ऑप्ट आउट मैकेनिज्म डाल देते हैं कि भाई अगर आपको हमारे साथ डेटा शेयर नहीं करना तो रिजेक्ट कर दो, बाहर निकल जाओ। लेकिन रिजेक्शन कौन सा बहुत सिंपल होता है कि एक बटन दबाया और आप बाहर हो गए। ये लोग इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं ताकि आप बाहर जा ना पाओ। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऑप्ट आउट करने के बाद क्या सच में ये लोग आपका डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो सिचुएशन सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, और अभी तक मैंने कुकीज वाले पार्ट को तो टच भी नहीं करा, तो कोई कुछ खास कर नहीं रहा इस सब के बारे में। ऐप ट्रैकिंग, ट्रांसपेरेंसी, ये वो सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनकी अपनी कहानी है जो हम किसी और दिन सुनेंगे। फिलहाल अगर आपको ये जानना है कि इंडिया में इतने आईफोन्स क्यों बिक रहे हैं, द वीडियो इज हियर, और अगर आपको चाइना की ऑसम टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, क्लिक हियर। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवानशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।